बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है और बदलते मौसम के साथ साथ हमने अभी अपनी एक मुर्गी बिठानी है अंडों पे। ये जी अभी 4 अंडे जो हैं वो आ चुके हैं। अभी बाकी जो है एक दोस्त के फ्रिज में पड़े हुए थे तो वो भी थोड़ी देर तक ले आते हैं। 4 अंडे ये और कुछ अंडे जो हैं अभी लड़का लेने गया हुआ है अपने घर, तो इतने में वो भी ले आते हैं। 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है और बस मुर्गी बिठवाने वाली हैं अंडों के ऊपर। आपको प्रोसेस बताते हैं वो भी कैसे। ये बारिश वाले दिन मट्टी डाली थी ये इनके ऊपर। हाँ जी, तो 4 वो पड़े हुए थे, 2 ये हैं, 2 वो हैं। तो अभी जो बाकी अंडे रह गए तकरीबन 4-5 और अंडे हैं अभी, तो 11 से 12 अंडों के ऊपर मुर्गी बिठाएंगे। जो अलहदा अलहदा रखे हुए हैं अलहदा अलहदा मुर्गियों के हैं। ये जी वो कमरा है जिधर हम मुर्गियाँ बैठाते हैं, ये मुर्गियों के लिए स्पेशल बनाया हुआ है। यहाँ पर हम अपनी मुर्गी बैठा देंगे। तो ये जो कमरा है स्पेशल मुर्गों के लिए मुख्तस किया गया हुआ है। ये इधर कुछ बेकरी का सामान पड़ा हुआ है, साथ में बेकरी है। इधर सिर्फ और सिर्फ बेकरी का सामान पड़ा हुआ है, वो भी यहाँ से निकाल देंगे। और ये जो अभी पूरा कमरा है ना, ये स्पेशल मुर्गों के लिए मुख्तस किया गया है सर्दियों में। और इस साइड पर कहीं मुर्गी बैठी होती थी, और ये जी मुर्गी बैठी हुई, ये वाली मुर्गी हम अंडों पे बैठाने वाले हैं। ये लाखी मुर्गी जो है हम अंडों पर बैठाने वाले हैं। और सामान जो है वो अभी आ चुका है, ये देख सकते हैं। ये जितना ज़्यादा भूसा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारी जो मुर्गी है वो कंफर्टेबल होगी और बच्चे निकालने में उसको आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं पहले कितनी खाली थी यहाँ पर जगह, अब ये भर चुकी है भूसे से। तो मुर्गी भी मैंने आपको दिखाई, मुर्गी अभी भी सुंदर है। ये एकेडमी के लिए मुख्त की गई थी, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और अभी गर्मियों की वजह से बाहर ही पढ़ते हैं। तो ये इधर बैठी हुई है, इतनी जगह संभाली हुई है। अच्छा तो पहले क्या हुआ करता था कि हम इधर मुर्गी बिठाते थे इसी कमरे में, उस वक्त यहाँ पर घरों का जो सामान होता है वो पड़ा हुआ करता था। तो उस वक्त जो गर्मी हुआ करती थी यहाँ पर ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है ये कमरा बिल्कुल खाली हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये इधर ये यहाँ पर मुर्गी बिठाएंगे ये जगह, यहाँ पर यह कुछ बैकरी का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, वो साइकिल जिसमें स्कूल जाया करते थे वो। तो अभी हम बैठाने जा रहे हैं मुर्गी अंडों पे, वो देखते हैं कि मुर्गी जो है वो कैसे ब्रीडिंग करती है। तो 21 दिन वेट करना पड़ेगा। तो अभी चलिए चल कर जी मुर्गी जो बैठाते हैं अंडों पे। ये जो अभी अंडे हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं, फ्रिज में पड़े हुए थे। तो अक्सर बाज़ अवकात लोग कहते हैं कि फ्रिज में पड़ा हुआ जो अंडा होता है उससे बच्चा नहीं निकलता। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि एक तरीका होता है, उस तरीके के तहत अगर आप अंडा रखते हैं फ्रिज में तो कोई मसला नहीं पेश आता, मुर्गी जो है वो परफेक्ट बच्चे निकाल लेती है। वो भी हम प्रोसेस जो है वो आपको बाद में ज़रूर बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कौन संडे से नर निकलेगा और कौन संडे से मादी निकलेगी, तो वो भी अगली वीडियो में बताएँगे। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता आपको। तो अभी जो है अंडे साफ कर लिए गए हैं और अब वहाँ पर इनकी सेटिंग बना कर रखेंगे। देर लगा दी इसने बैठने में, ये देखिए कितना पसीना आ गया, पता नहीं इसकी हिम्मत ये यहाँ पर कैसे इतने दिन निकालेगी। लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि हमने इससे भी ज़्यादा गर्मी में हमने चूज़े निकलवाए हैं। तो अभी तो मौसम ही बहुत अच्छा हो गया, मुझे वैसे भी पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है।
ये देखें मुर्गी अपनी सीट पे बैठ चुकी है और ये अब अपना काम करेगी। अब हम अपना बाहर जाकर काम करते हैं और आप भी प्राइम मेहरबानी अपना काम जरूर कर दीजिएगा। ये जो आपको लाल बटन नज़र आ रहा है ना सब्सक्राइब वाला, तो प्लीज़ काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इग्नोर मत किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलता है इंशाल्लाह मैं आपको अपने अगली वीडियो में, बहुत ही दबंग वीडियो होने वाली है, किसी को चैलेंज देने वाला हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी लोग हैं जो चैलेंज दे रहे हैं, मैंने पहले भी एक शख्स को चैलेंज दिया था, उसने मेरा कबूल नहीं किया, बातें बहुत उसने लंबी लंबी छोड़ी थी लेकिन चैलेंज के वक्त वो भाग गया, नहीं चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया। तो अभी मैं जो अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आगे आने वाली है, इसमें बहुत बड़ा एक ऐलान करने वाला हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज देने वाला हूँ। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको अपनी उस अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।